आज हम बनाने जा रहे हैं डेनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR-X1600H। ये पीस में जो प्रॉब्लम है वो है HDMI IC, इसका शॉर्ट है आप देख सकते हैं, और HDMI सॉकेट के पास भी आप देख सकते हैं कि जला हुआ है। कुछ दिन पहले हमारे इधर बहुत बारिश हुई थी, आसमान में बहुत बिजली कड़के थे, उस दौरान इससे कनेक्टेड जो टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स था वो भी जला, ये भी जला है। चलिए देखते हैं, इस IC को तो सबसे पहले हमें चेंज करना होगा, क्योंकि इससे संबंधित जो भी सप्लाई है वो शॉर्ट दिखा रही है। चलिए सबसे पहले हम इस IC को ही चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसका HDMI IC चेंज किया है, और साथ ही साथ इसमें बाकी के भी पार्ट्स हमने चेक किए हैं जो कि HDMI से संबंधित है। और इसके बैक साइड में एक IC है, इस पर मेरा ध्यान गया है, ये IC भी शॉर्ट है, IC 733। शॉर्टिंग कुछ इस कदर हुई है कि पूरी की पूरी पिन ही ओपन हो चुकी है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये IC क्या काम करती है। ये है अपना वो IC 733, और ये क्या काम करता है इसको हम समझेंगे। HDMI 1 2 3 फ्रंट, H 5 वोल्ट, और इस तरफ हम आएंगे तो H in cell ABC। मेरे हिसाब से ये कुछ इनपुट सेलेक्टर की IC है, और इसको हम थोड़ा और डिटेल निकालते हैं क्या है ये। चेक फॉर अ शॉर्ट सर्किट इन 5 वोल्ट लाइन एंड द 5 वोल्ट स्विच IC। 5 वोल्ट स्विचिंग का काम करता है ये HDMI, जो भी हम सेलेक्ट करेंगे तो ये 5 वोल्ट सेलेक्ट करता है, स्विचिंग IC है ये। यहाँ पर भी वही लिखा है, 5 वोल्ट की स्विचिंग IC है। अब हम बात करेंगे कि ये जो पिन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, पिन नंबर 13 जो शॉर्ट हुआ है, पूरी तरीके से जल चुका है, आखिर ये पिन नंबर 13 क्या काम करता है। पिन नंबर 13, पिन नंबर 13 है यहाँ पर, और ये है HDMI 2, और इसमें हम आएंगे तो ये है HDMI 2, बिल्कुल ये
बहुत बुरी तरीके से जला हुआ था और यहाँ के भी कुछ पार्ट्स जले हुए हैं, अगर आप गौर से देख पाएँ तो। एक मिनट, मैं इसको, यहाँ पर कुछ पार्ट्स अभी भी जले हुए हैं, उसे हम चेंज करेंगे। एक पीएफ है और एक रेजिस्टेंस है। जो भी कुछ लगा होगा एचडीएमआई 2 के सेक्शन में, वो पूरी तरीके से जला है। सेटअप बॉक्स लगा हुआ था टाटा स्काई का, ऐसा हमारे मित्र का कहना है। चलिए अभी हम इस आईसी को चेंज करेंगे। यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस जो कि जल चुके थे पूरी तरीके से, उन्हें हमने चेंज कर दिया है। और ये जो है, एक पहला ये पीएफ है, उस पीएफ को हमने नहीं बदली किया है। बदली मतलब नया नहीं लगाया है, क्योंकि ये पीएफ सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए था। प्रोटेक्शन इतना ही मजबूत था तो ये आईसी उड़ा क्यों, ये सोचकर मैं नहीं लगा रहा हूँ। चलिए इसको अब हम फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर देखते हैं। इसको हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है और फिट करने के बावजूद भी इसकी कंडीशन ये है कि ये अभी भी एचडीएमआई नॉट वर्किंग है, और इसकी जो दोनों आईसी है बिल्कुल ही एकदम शांत है, ज़रा भी इसमें हीटिंग नहीं है। और ये जो आईसी है ये हीट हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो रही है। इस प्रकार के शॉर्टिंग से नॉर्मली या तो ये आईसी उड़ेगी या तो ये आईसी उड़ेगी। ये तो एकदम लास्ट में आता है, ये तीनों सीरीज में है एक दूसरे के। अब ये आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, तो क्यों हीट हो रही है इसको हम ज़रा समझेंगे, थोड़ा इस पर रिसर्च करेंगे। इसके अंदर अभी जो कंडीशन है वो ये है कि ये आईसी बहुत हीट हो रही है। ये आईसी हीट हो रही है, इसका ये अर्थ नहीं है कि ये आईसी ही खराब है। एक दो तीन, ये तीनों सीरीज में हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डाटा ट्रांसफ़र होता है हर एक चीज़ का। और मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया है, और रिसर्च में मैंने जो पाया है वो आपको बताना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे, आप अगर देख पाए तो ये जो लास्ट का पिन है 72, इसको हमने ओपन कर रखा है। एक तरफ से उसके पिन को निकाल करके थोड़ा ऊपर रखा है। क्यों रखा है? ये पॉइंट शॉर्ट है, कैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और ये जो पिन है वो काम करता है, जो अपना ये है फाइव वोल्ट, जो एचडीएमआई सेलेक्ट करते हैं ना, इनपुट सेलेक्टर, वहाँ से कनेक्टेड है ये। और इस आईसी को अभी मैं नहीं चेंज करूँगा, मैं
इस आईसी को पहले चेंज करूंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। फिलहाल इस आईसी को हम चेंज करते हैं और फिर देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर है, अगर आप दिवाली और इस तैयारी में हैं कि आप रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन फुल, इस आपको बताऊंगा इस भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं, सूरत से और मुंबई से तस्वीरें सामने आई हैं, दिल दहला देने वाली है। इस स्टेशन पर सुई
थाने में। उसी तरह इस शख्स ने प्रेमिका के शव को जिला अधिकारी के कंपाउंड में दफना दिया। पूरी प्रदेश की पुलिस शहर भर खास छानती रही, पूरे राज्य में ढूंढती रही, लेकिन शव तो डीएम के बाबा की सीट पर लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ेगा। जी हां, बाबा सिद्दीकी जिस सीट से चुनाव जीतते रहे उसी सीट से लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव। जिसके बाद मिसाइल उड़ाना, मिसाइल मारना ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। आखिर में बात करेंगे, वक्फ बोर्ड से जुड़ी खबर है, मंदिर से लेकर शमशान तक पर वक्फ में दावा कर दिया। ऑल वर्किंग गुड है, सिर्फ और सिर्फ डीवीडी सेक्शन काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है का मतलब ये हुआ कि इसमें आवाज नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, मैं इस पर रिसर्च करना ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि जिन हमारे मित्र का है उन्होंने कहा है कि ये नहीं भी चलेगा तो चलेगा। हमने इसको डीवीडी मोड पे रखा है, पिक्चर आ रही है लेकिन आवाज़ नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी ऑल चार इनपुट्स वर्किंग है। अब हम ये जानेंगे कि हमने इसमें क्या क्या किया है और कैसे किया है, कितना कैसे किया है। ये तो हमने आपको बताया ही कितनी आईसियाँ चेंज की है हमने, 1, 2, 3 ये तीनों आईसी चेंज की है। इसके नीचे भी कुछ डाटा सेलेक्टर आईसीस थी उसको भी चेंज किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रखी हुई है, 3 आईसी है, ये 2 डाटा सेलेक्टर आईसी है और ये 2 छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आप देख पा रहे हो तो ये चेंज किया है। अब हम सर्विस मैनुअल के हिसाब से समझेंगे, बताएंगे आपको कि हमने क्या क्या किया है, कैसे रिसर्च किया है, काफ़ी समय लगा है इसमें। ये है इसका सर्विस मैनुअल और मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी समय मेरा बर्बाद हुआ है इसके पीछे। सबसे पहले ये आईसी हमने बदली की है और उसके बाद ये आईसी हमने बदली की है। ये आईसी मार्केट में सही नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप जो यहाँ पर ये देख रहे हो इसमें से ये तो फटी हुई थी, निकालने में ही टूट गई ये आईसी। और ये आईसी जो है आप देख सकते हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 788 मार्केट से जो आईसी मैंने लाई थी वो ये थी। आप अगर देख पा रहे हैं तो मैं इसको साफ़ करता हूँ, एक मिनट। ये आईसी लास्ट में ए लिखा हुआ है और जो ओरिजिनल आईसी है उसके लास्ट में ए नहीं है, ये कुछ तो भी डिफरेंट है। आप मार्केट से लेने में थोड़ा सावधानी बरतें, ये सही नहीं है। इसको लगाने के बाद पीस पूरी डेड हो गई थी, तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना पैसा बचाएं। उसके बाद इतना सब चेंज करने के बाद लास्ट में मुझे जो और भी 2 ये छोटी आईसियां आप देख रहे हो यहाँ पर, ये डाटा सेलेक्टर क्या काम करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये वो 2 आईसी है छोटी वाली,
और एक आईसी तो ये है, इसकी जानकारी मैंने पहले ही दे दी थी कि ये शॉर्ट है पूरी तरीके से, और दो है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये है वो दो आईसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों आईसी एक दूसरे के सीक्वेंस में है, मैंने ट्रैक किया था पिन नंबर 3 यहाँ पर है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये 3 नंबर शॉर्ट दिखा रहा था ग्राउंड से। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी इस तरह की शॉर्टिंग वाली इश्यूज आए HDMI में तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें। और ये दोनों IC हमने चेंज की है, ये वो दो IC है जो छोटी वाली आप देख रहे हो, और इसके साथ साथ और दो ट्रांजिस्टर चेंज किए हैं। हालांकि वो चला हमने चेंज कर दिए हैं लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आई, जो DVD सेक्शन में मैंने आपको दिखाया कि ये DVD सेक्शन काम नहीं कर रहा है। ये है वो सेक्शन, ये जो दो ट्रांजिस्टर है ये दो भी फटे हुए थे, वो जो दो ट्रांजिस्टर है वो यहाँ पर हैं, बहुत ही छोटे हैं आप देख सकते हैं। फटे हुए हैं आप देख सकें। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की जो कि आनी चाहिए, कंपलसरी है। इम्पॉर्टेंट सप्लाई मैं इस पे ही बता देता हूँ, इसको इसमें प्रत्येक जितने भी इससे संबंधित थे, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊँ, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये है वो सप्लाई, फाइव वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, ये 3 महत्वपूर्ण सप्लाई है जिससे ये काम करता है। और जो दूसरी IC है इसकी, वो भी इसी प्रकार से काम करती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है 3.3 1.1, ये दो सप्लाई पे ये काम करती है। जो इससे पहले वाली थी उसमें सिर्फ 5 वोल्ट एक्स्ट्रा है। अगर मैं एम्पलीफायर को ऑन करके इसकी डिटेल्स दूं, वन पॉइंट टू वोल्ट, 3.3 1.8, ये 3 सप्लाई महत्वपूर्ण है इसको जनरेट करने के लिए। 1.1 वो भी यही है।
बाकी यहाँ पे रेगुलेटर्स पे आती हैं सप्लाइयाँ, वो तो लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं और उस हिसाब से चेक कर सकते हैं कहाँ पर कितनी सप्लाई आनी चाहिए। चलिए इसको हम फिट करेंगे, रेडी फॉर डिलीवरी है ये।